मैंने आपको सबसे कम कीमत का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इसलिए दिखाया जिससे इसको खरीदकर आप अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। और मैंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पिछली वीडियो में आपको बताई थी 39,900 रुपये। और जैसे ही मैंने इतने कम कीमत का इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाया तो आपको लगा कि भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी सही नहीं होगी, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी पर सवाल उठाने लगे। तो आज मैं प्रूफ दूंगा आपको कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कितनी बढ़िया है, और साथ में जो आप लोगों ने उस वीडियो में सवाल पूछे थे उसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो विकास भाई आइए और सीधा शुरुआत करते हैं इधर से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और लास्ट वीडियो में आप सब ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस थे, वो पूछना चाहते थे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसकी फ्लेक्सिबल है, जितने भी फाइबर पार्ट हैं वो फ्लेक्सिबल हैं। आइए, जैसे कि फ्रंट का आप ये ले लीजिए, मड गार्ड ले लीजिए। भाई नज़दीक से दिखा देना ज़रा। अगर अगर आप इस पे थोड़ा दूर भी हो जाना, खड़े हैं ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप देख सकते हैं ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। और जैसे कि इसके हेडलाइट ग्लासेस हैं, जितने भी ग्लासेस हैं वो भी फ्लेक्सिबल हैं, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे। और इलेक्ट्रिक स्कूटी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मैं इसका कुछ टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये हैमर है, वो भी मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये मेटल हैमर है, मेटल का, और ये देखिए ज़्यादा तेज़ तो नहीं मारेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि टूटेगा नहीं, और तेज़। ये देखिए पैर वैर मार के दिखा दो, और इसमें थोड़ा दूर रखना भाई, साइड में और दूर हो जाओ थोड़ा। वाह, आइए ये देखिए, इसमें कहीं से भी ब्रेकेज नहीं आया। अगर आप देखोगे कहीं पर भी कोई ब्रेकेज नहीं है, तो इसकी काफ़ी फ्लेक्सिबल है प्लास्टिक क्वालिटी, ए ग्रेड की प्लास्टिक यूज़ की गई है इसमें। ऐसा नहीं है कि प्राइस कम रखा हो कंपनी ने तो इसमें प्लास्टिक क्वालिटी डाउन करी हो। और भाई जैसे कि कुछ सवाल थे लोगों के जो आपने जैसे पढ़ रखे हैं जी, और क्योंकि आप उनको जवाब दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी 39,990 में है तो इसके साथ बैटरी है कि नहीं है, अलग से चार्जेबल है, क्या है कैसे है। तो मैं बता दूं, ये 39,990 में विद बैटरी के साथ, विद चार्जर के साथ है, ठीक है। और दूसरा बिल्ड क्वालिटी का बहुत लोग पूछ रहे थे, बिल्ड क्वालिटी आपने देख ही ली। 39,900 रुपये में इससे तगड़ी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे लगता है कि नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा एक सवाल मेरा कि जैसे कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मेल किया था कि भाई क्या इसके साथ हेलमेट मिलेगा कि नहीं। हेलमेट मिलेगा, लेकिन वो 60 वोल्ट के साथ हेलमेट फ्री है, 5 बैटरी के साथ। अगर आप 4 बैटरी के साथ लेते हो तो हेलमेट नहीं है। अच्छा, ये दूसरा ये कि जैसे एक भाई ने कहा था कि आपने कहा था गारंटी है और मैंने कहा था वारंटी है, तो वो क्लियर कर दीजिए। ये 1 ईयर गारंटी है बैटरी, मोटर, कंट्रोलर, चार्जर पे। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि बैटरी लिथियम में है या लेड में, दोनों में। अगर आप लेड में लेते हैं तो ये रेट है, लिथियम का रेट आपको कॉल करेंगे तो हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसकी लोडिंग कैपेसिटी क्या है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी इजीली 200 kg है, आप 200 किलो इस पे रख के ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है वो माइलेज ड्रॉप करती है जितना आप वेट उस पर पुट ऑन करते हो। तो और इसका बूट स्पेस क्या है, मैं बूट स्पेस आओ भाई दिखा दो, इधर इधर आके दिखा दो, यहाँ पर ये MC, ये क्या लगा हुआ है? ये MCB है, कटआउट के लिए होती है। जैसे इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसे कटआउट कर सकते हैं। अच्छा, और ये बूट स्पेस इसका ये है, इजिली एक छोटा हेलमेट आप रख सकते हो। ये ग्रैब हैंडल है, मेटल का ही है ना? नहीं, मेटल का नहीं है, मिक्स होता है, मिक्स होता है। और इसमें लिथियम बैटरी रिमूवेबल होती है, लेड एसिड रिमूव नहीं की जा सकती, लिथियम सिंगल में आती है। तो मतलब अगर आप इसको लिथियम बैटरी के साथ लेंगे तो वो रिमूव आप कर सकते हैं, अगर लीड एसिड पे लेंगे तो नहीं रिमूव कर सकते, सिंपल। और ये 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है, हाँ ये 60 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकती है, आपको 5 बैटरी में इसे यूज़ करना होगा तो ये आराम से 80-100 किलोमीटर चल सकती है 30-35 की स्पीड पे। और आपको घर पे कैसे मिलेगी, आप चाहें तो हम जो नंबर देंगे उस पे कॉल करके हम होम डिलीवरी भी करा सकते हैं कुरियर के थ्रू। और आफ्टर सेल सर्विस का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ईवी में आज के टाइम पे कोई भी सेल सर्विस नहीं देता है, हम आपको आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है।
तो देखा दोस्तों, आप लोगों के जो डाउट थे वो मैंने इस वीडियो में क्लियर किए, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी। अब जैसे हैमर इस पर चढ़ के दिखाए, इसका मडगार्ड जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि चढ़ने के बाद भी नहीं टूटा है। और बाकी जैसे 39,900 रुपये ही बताए हैं, मतलब इससे महंगा तो आईफोन भी आता है, तो इतनी कम कीमत में इतनी बिल्ड क्वालिटी और 50 से 60 किलोमीटर जैसे रेंज दे रहा है। तो आप जैसे जिनके लिए ये बनाया गया है कि जैसे इसको हर कोई भी खरीद सकता है, मतलब कोई भी खरीद सकता है, जिनको 50 या 40-50 किलोमीटर चलना है, वो पेट्रोल के खर्चे जैसे पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वो इसको खरीद सकते हैं। अब ये अच्छी बात है। बाकी अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो इसमें मैं फोन नंबर दे दूंगा, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। भाई फोन उठा लिया करना। जी बिल्कुल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपके कुछ और भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इनका अपना खुद का भी एक चैनल है पीएस इलेक्ट्रिक का, ये पीएस इलेक्ट्रिक की मैजिक लाइट है। और इनके जो चैनल भी है, इनकी वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो वहां पर भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप बाइक पॉइंट पर पूछेंगे तो बिल्कुल मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज कैमरामैन नए हैं, इसलिए अगर कोई सिनेमैटिक शॉट में आपको मजा ना आया हो तो उसके लिए आप व्यक्तिगत मुझे माफ करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।